असल फैम रत्नभूषण, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। गुड इवनिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू एंड फॉर द पीपल ऑफ आर नेशन। इट विल कवर योर पर्डे एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन एंड सजेशन फॉर यू सो दैट वी कैन मेक दिस कंट्री मोर ग्लोरियस इन द होल वर्ल्ड। माई हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी दैट ही वंस अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टूडेज आर, सफलता को देनी होगी निरंतरता। ये आर्टिकल विवेक काटजू ने जी ने दैनिक जागरण में लिखा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर अपने तब विशेष सम्मान अर्जित किया जब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी दल को 30 साल बाद अपने दम पर बहुमत दिलाने का करिश्मा किया था। अब उनकी शानदार जीत न केवल उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगी बल्कि इससे दुनिया के पहली पांत के नेताओं में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में उनके समकक्ष और दुनिया भर की बड़ी शक्तियों के नेता उनके भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निकट भविष्य में वह दुनिया के एक उभरती हुई शक्ति के निर्विवाद नेता रहने वाले हैं। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उन्हें बाहरी मोर्चे, विशेषकर पश्चिमी पड़ोस में चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना होगा। हमेशा की तरह पूरा ध्यान पाकिस्तान पर टिका रहेगा। हालांकि बालाकोट हमले के साथ मोदी ने पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से संदेश दिया था कि भारत पाकिस्तान की धरती पर उसके खिलाफ पनप रहे आतंक का फन कुचलने के लिए अपने सैन्य बलों का प्रयोग करने से गुरेज नहीं करेगा। साथ ही मोदी ने पिछले 3 वर्षों से बढ़िया नीति अपनाई रखी है। पाकिस्तान से भारत तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कि वह भारत के खिलाफ आतंकी नीति नहीं छोड़ता। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान वार्ता की गाड़ी को पटरी पर वापस लाना तो चाहते हैं, लेकिन वह यह आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि उनका देश भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाले लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को सहयोग देना बंद कर देगा। निश्चित रूप से ऐसे कोई संकेत नहीं है कि पाकिस्तान की भारत नीति निर्धारित करने वाली सेना भारत के खिलाफ अपनी परंपरागत दुश्मनी के भाव में कोई ढील तक देना चाहती है। ऐसे हालात में यह मोदी को फैसला करना होगा कि क्या इमरान खान की इच्छा को देखते हुए आतंक के मसले पर बिना गारंटी के ही वार्ता शुरू करेंगे। इसे पाकिस्तान के साथ उनके कड़वे अनुभव ही काफ़ी होने चाहिए कि उसे लेकर कोई झूठी उम्मीद न रखे। भले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनसे पाकिस्तान को एक और अवसर देने की दुहाई दे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से मुंह से बचना चाहिए। अफगानिस्तान के हालात और जटिल बनते जा रहे हैं, जहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका वहां समाधान तलाशने के लिए बेचैन है और इसके लिए तालिबान के साथ बातचीत भी कर रहा है, लेकिन तालिबान अफगान सरकार के साथ संघर्ष विराम को लेकर कोई लचीलापन नहीं दिखा रहा है और अपनी कुछ खास मांगों पर अड़ा हुआ है। किसी समाधान को लेकर जगी हुई शुरुआती उम्मीदें भी धूमिल पड़ रही हैं। मोदी ने तालिबान के साथ कोई कड़ी नहीं जोड़ी, जबकि वह यह संगठन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति हासिल करता जा रहा है, तालिबान को लेकर भारत की आपत्तियां वाजिब है। लेकिन कूटनीति का यह तकाजा भी है कि उसमें व्यवहारिकता से काम लिया जाए। तालिबान से संपर्क का अर्थ नहीं होगा कि भारत उसकी विचारधारा का समर्थन करता है, और न ही इससे अफगान सरकार को भारत का समर्थन की कमजोर होगा। मोदी ने पश्चिम एशिया के उठापटक से न पढ़कर बहुत समझदारी दिखाई। साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र के सभी देशों से बढ़िया द्विपक्षीय रिश्ते बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त ईरान नीति के चलते जरूर इसमें कुछ पेच फंस गए हैं। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत के लिए ईरान से कच्चे तेल की खरीद में अवरोध पैदा कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ हिंसक संघर्ष छिड़ने की भी आशंका है। इससे खाड़ी क्षेत्र में कुछ उथल पुथल मचेगी, जहां लाखों भारतीय रहते हैं और यह क्षेत्र भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ट्रंप की ईरान नीति को तो नहीं प्रभावित कर सकता, लेकिन उसे सभी पक्षों के साथ संवाद कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरह का हिंसक संघर्ष न छिड़े। इससे केवल यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। साथ ही मोदी को नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे उन पड़ोसियों पर भी ध्यान देना होगा जहां चीन अपनी पैठ बनाने में लड़ा है। इन देशों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि भारत कभी उनके आतंकी मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन वे भी अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत रहें। Today my program is dedicated to 177 species spotted in NCR, rise in number of the birds may be due to more rain experts. It's a beautiful birds,
और आजकल मैं जब पार्क जाता हूँ तो बहुत सुंदर सुंदर पक्षियों को देखता हूँ, साथ साथ उनकी आवाज़ें भी सुनता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा तो मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको हो सकता है 1% फ़ायदा हो, लेकिन मेरा इरादा एकदम नेक है, पूर्ण रूप से नेक है। अपने देश में ईमानदारी, चरित्र और ज्ञान को बढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज नो विंड नो सन ग्रीन प्रोजेक्ट इन लिम्बो। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्टिफल्ड बाई होस्ट ऑफ इशू फ्रॉम लो टेरिफ्स टू लैक ऑफ गवर्नमेंट पुश। वेन द बीजेपी गवर्नमेंट अज्यूम ऑफिस 2014, द इंडियन सोलर इंडस्ट्री वॉज ऑन टेंडर हुक्स। द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स हैड रिकमेंडेड एंटी डंपिंग ड्यूटीज रेंजिंग बिटवीन 6 and 147 पर वाट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स imported from China, Malaysia, Taiwan and the US, and the recommendation had to be only formally ratified by the Ministry of Finance. Solar power had already begun to take roots in India and the country had a total installed solar power capacity 2,632 megawatt. The industry was taking baby steps with the aid of cheap imported modules. The anti-dumping duty was going to kill it. On the other hand, a clutch of the domestic player had set up module manufacturing plants in India, eyeing business from a sunrise industry crushed by a cheap imports. They looked up to the government for protection. Faced with the waxing dilemma, the new government made a pragmatic choice. It is said no anti-dumping duties. It is also told the domestic manufacturer, don't worry, we will get the government owned company buy from you. The making of 2019 verdict. This article was written by Neera in Hindu newspaper. Voters want someone who will protect them from the insecurities flowing from the new economy and globalization. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best. Good luck. God bless. God bless India.